नमस्कार। प्रथम वर्ष भूगोल के विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय झाड़ूल के YouTube चैनल पर स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने नियतिवाद की संकल्पना के बारे में पढ़ा था, जिसमें हमने ये देखा था कि भूगोल में तीन स्कूल हैं, संभववादी नियतिवादी स्कूल, नियतिवादी संकल्पना या जर्मन स्कूल, संभववादी या फ्रांसीसी स्कूल, और तीसरा है नव निश्चयवाद यानी कि अमेरिकन स्कूल। इसमें से हमने निश्चयवाद की संकल्पना पिछले वीडियो में देख ली। इसका जो मेन थीम है वो ये है कि प्रकृति सर्वे सर्वा है, प्रकृति अधिक शक्तिशाली है और मनुष्य सिर्फ उसकी उपज है और उसे प्रकृति के अनुसार ही चलना चाहिए। आज के हम वीडियो में संभववाद की संकल्पना देखेंगे। ये नियतिवाद की संकल्पना के बिल्कुल विपरीत मनुष्य को केंद्रीय स्थान में रखती है और ये मानती है कि मनुष्य अपनी शक्ति और बुद्धि के बल पर प्रकृति को जैसा चाहे अपने अधीन या अपनी आवश्यकता के अनुसार उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकता है। संभववाद। फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता इस विचारधारा के समर्थक रहे हैं। संभववाद जो शब्द था वो फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फैब्रे के द्वारा प्रतिपादित किया गया था, क्योंकि फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं की आरंभिक शिक्षा इतिहास में हुई थी, इसलिए उन्होंने मानव द्वारा छांट की स्वतंत्रता पर अधिक बल दिया था। उनके अनुसार भूतल पर जो भी विभिन्न प्रकार की मानवीय क्रियाएं देखी जाती हैं, वे प्राकृतिक शक्तियों के चौखटे में मानव की सूझ और गति का परिणाम है। वे इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रत्येक वातावरण मनुष्य की महत्वाकांक्षाओं की सीमा को निश्चित करता है, परंतु वे इन सीमाओं की अपेक्षा मानव क्रियाओं पर अधिक बल देते थे। वो ये स्वीकार तो करते थे कि वातावरण मनुष्य के महत्वाकांक्षाओं को सीमित कर देता है, परंतु वे इस बात पर अधिक बल देते थे कि मानव की क्रियाएं इन सीमाओं की अपेक्षा अधिक प्रबल है। इस संकल्पना के विकास की पृष्ठभूमि। संभववाद के विकास की पृष्ठभूमि में दो कारण उत्तरदायी रहे हैं। पहला, नियतिवादियों के द्वारा प्राकृतिक परिवेश की सार्वभौम सत्ता को पूर्ण मानवता देना, और दूसरा है पश्चिमी यूरोप, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की गई आश्चर्यजनक गति से विकास। विचारधारा का जन्म और विकास फ्रांस में हुआ था, इसलिए इसे फ्रांसीसी विचारधारा भी कहा जाता है। इस विचारधारा के जनक ब्लाश को माना गया है। आप इस बात पर ध्यान रखें कि संभववाद शब्द फैबरे ने दिया था, परंतु विचारधारा को जन्म ब्लाश ने दिया था। ठीक है, इस विचारधारा में मानवीय छांट को प्रधानता दी गई है, प्रकृति को एकमात्र परामर्शदात्री माना गया है और मानव को एक ऐसा भौगोलिक कारक बताया गया है जो कि कर्म प्रधान और कृत प्रधान दोनों ही है। संभववादी विचारक। संभववाद का समर्थन तीन प्रकार के भूगोलवेत्ताओं ने किया, जिसमें सर्वाधिक नाम आता है फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं का। कुछ अमेरिकन भूगोलवेत्ता भी थे जो संभववादी थे, और ब्रिटिश और जर्मन में भी कई भूगोलवेत्ता संभववाद का समर्थन करते थे। संभववाद के संबंध में इन भूगोलवेत्ताओं के विचार जानते हैं। शुरुआत करते हैं हम फ्रांसीसी भूगोलवेत्ता फेबरे से। फेबरे ने अपनी पुस्तक ज्योग्राफिकल टू इंट्रोडक्शन टू हिस्ट्री में लिखा है कि प्रकृति सर्वत्र संभावनाएं देती हैं, मनुष्य इन संभावनाओं का स्वामी होता है और इनका उपयोग अपने निर्णय के अनुसार करता है। प्रकृति मनुष्य को किसी निश्चित मार्ग पर चलने के लिए बाध्य नहीं कर सकती है, वह सिर्फ मार्ग बताती है, परंतु चयन करने के लिए मनुष्य स्वतंत्र होता है। ब्लाश संभववादी विचारधारा के जनक हैं। इनके अनुसार प्रकृति एक सलाहकार के अलावा कुछ भी नहीं है, इसीलिए मानवीय क्रियाकलापों में प्रकृति का अध्ययन हम कर लेते हैं। इन्होंने सार्वभौमिकता के नियम के द्वारा संभववाद का भरपूर पोषण किया। इनके अनुसार प्रकृति सीमा निर्धारित करती है, परंतु
प्रदत्त परिस्थितियों में मानव की क्या प्रतिक्रिया होगी, वह कैसा समायोजन स्थापित करेगा, यह उसकी अपनी जीवन पद्धति पर निर्भर करेगा, न कि प्रकृति पर। तीसरे हैं ब्रूंश। ब्रूंश ब्लाश के शिष्य थे और निश्चयवाद के घोर विरोधी थे। इनका मानना था कि मानव वातावरण के प्रभाव को चुपचाप सहन नहीं करता, बल्कि उसमें परिवर्तन लाने के लिए सदैव क्रियाशील रहता है। वह इन परिवर्तनों के द्वारा प्राकृतिक तथ्यों का उपयोग करके उन्हें अपने योग्य बनाता है। अतः हम कह सकते हैं कि ब्रूंश प्रकृति को सीमाकारी और अवरोधक तो मानते थे, परंतु नियंत्रणकारी शक्ति नहीं मानते थे। और अब कुछ अमेरिकी भूगोलवेत्ताओं के विचार। इनमें जो सबसे मुख्य थे वो थे ईसा बॉमेन। ईसा बॉमेन ने अपनी पुस्तक द पायोनियर फ्रिंज में संभववाद का समर्थन किया। उनके अनुसार प्राकृतिक शक्तियाँ कभी भी मानव सभ्यता को पूर्ण रूप से नष्ट नहीं कर पाई हैं। ये सभ्यताएं केवल मानव समूहों के द्वारा ही अपनाई या त्यागी जा सकी हैं। प्राकृतिक वातावरण मानव समाज का स्वरूप निर्धारित नहीं कर सकता। कार्ल लोशावर दूसरे अमेरिकी भूगोलवेत्ता हैं जिन्होंने भी संभववाद का समर्थन किया। इन्होंने मानवीय कौशल और क्षमता को बहुत अधिक महत्वपूर्ण माना और संभववाद का पुरजोर समर्थन किया। अपनी पुस्तक सांस्कृतिक भूगोल में नियतिवादियों के बारे में इन्होंने ये कहा कि नियंत्रण के बदले प्रभाव और प्रभाव के बदले समायोजन करने में ये लोग लग गए हैं। और अब बारी है संभववादी इस संकल्पना के विश्लेषण और आलोचनाओं की। संभववाद का सार हम निम्न बिंदुओं में समझ सकते हैं। पहला, मानव ने नदियों पर बांध बनाकर नहरें निकाली और कृषि फसलों को सिंचित किया है, यानी कि उसने प्रकृति को अपने वश में किया है। दूसरा, प्राचीन काल के नगर केवल नदियों के किनारे बसते थे, परंतु अब जो शहर विकसित हो रहे हैं वो नदियों से दूर भी विकसित हो रहे हैं। इट मीन्स पहले मनुष्य प्रकृति पर निर्भर था, अपनी बेसिक आवश्यकता यानी कि जल के लिए वो नदी के किनारे पर बसता था, पर अब मनुष्य ने इतनी प्रगति कर ली है कि प्राकृतिक जल को अपने निवास स्थान तक वो लेकर आने लग गया है। तीसरा है, मानव ने कृषि यंत्र बनाए और बेकार भूमि को भी उपजाऊ कर दिया। आधुनिक उत्पादन देने वाली फसलें और पशुओं की नस्लों को विकसित किया। परिवहन के साधनों का विकास करके पूरी दुनिया को समेट लिया। विद्युत उत्पादन और शक्ति और प्रकाश का भी प्रबंधन किया और कई कूलर्स आदि विकसित करके विपरीत जलवायु को भी अपने अनुकूल बना दिया है और फसलों में जेनेटिक इंजीनियरिंग करके नई नई चीज़ें उगाने का प्रयास कर रहा है। पीछे जो हमने आलोचनाएं देखी उसका क्रिटिकल एनालिसिस इस तरह से है कि मनुष्य व्यापक स्तर पर जलवायु को नहीं बदल पाया है। जैसे सहारा का जो मरुस्थल है, उष्ण मरुस्थल है, इसको वो आर्द्र मरुस्थल में नहीं बदल पाया है। दूसरा, बीमारियों पर पूर्ण रूप से रोकथाम नहीं कर पाया है, प्राकृतिक आपदाओं को नहीं रोक पाया है और टुंड्रा जैसे प्रदेश में अभी तक कृषि नहीं कर पाया है। तो ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो आज भी नियतिवाद को समर्थन देते हैं और संभववाद के ऊपर लगाम लगाते हैं।